गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माय नेम इज करण सिंह, यू आर वाचिंग आई एप चॉइस। स्वागत है आपका। देखिए आज है 16 अप्रैल, तो आज हम देखेंगे आज के करंट अफेयर। और आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अपने जो पहली करंट अफेयर होते, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 32 करोड़ भारतीयों को मिली करोड़ रुपये की आर्थिक मदद। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 32 करोड़ रुपये जो है बांटे जाएंगे, इसको सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो और पढ़ते हैं, कोविड-19 प्रकोप के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से बचने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को लगभग 32 करोड़ लोगों के खाते में सीधे जमा करवाया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री, देखिए जो हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण, और ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन तैयार करने को मिलता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री कल्याण योजना की घोषणा की थी। तो ये तो हमारी पहली करंट अफेयर, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो देखिए हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है कुछ इस प्रकार से कि भारत की आर्थिक वृद्धि 2020-2021 में 1.9% रहने का अनुमान IMF। देखिए IMF होता है, उसने कहा कि भारत की जो इकोनॉमी है, आर्थिक विकास दर है, वो 1.9% रहेगी। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसने बताया कि भारत की जो विकास दर है जो रहने वाली है 1.9%। IMF ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियाँ ठप होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी में की ओर बढ़ रही है। साल 1930 में आई महामंदी के बाद यह सबसे बड़ी मंदी। देखिए 1930 के बाद ये ऐसा टाइम होगा कि विश्व की जो इकोनॉमी है वो इतनी डाउन चली जाएगी, लो चली जाएगी, और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी इसके साथ ही, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कम होने वाली है। सन 1991 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत की इकोनॉमी इतनी डाउन चली जाएगी, 1.9% चली जाएगी। देखिए बात करते हैं IMF, तो ये IMF क्या होता है इसके बारे में देखिए। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष हिंदी में बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है Washington DC USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको जो कितने कंट्रीज से जुड़ी हुई, तो 189 कंट्री इससे जुड़े हुए हैं। और देखते हैं आगे, देखिए अमेरिका का बड़ा फैसला, ट्रंप ने WHO का मीन होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग को रोकने का दिया आदेश। देखिए जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि WHO को जो फंडिंग होती है उसको रोका जाए। देखिए और पढ़ते हैं आगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त पोषण रोके जाने की घोषणा करते हुए कहा है कि दुनिया भर में फैलने से बचने चीन से शुरुआत हुई कोरोना वायरस की गंभीरता को WHO ने छिपाया है। देखिए अमेरिका ने कहा है कि जो कोरोना वायरस फैल रहा है इसको चीन द्वारा छुपाया गया, जो कि WHO भी इसमें शामिल है। वहीं दूसरी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के संसाधनों में कटौती करने का यह उचित समय नहीं है। देखिए और आगे पढ़ते हैं, अमेरिका WHO को सबसे ज़्यादा धन। देखिए अमेरिका पूरे विश्व में ऐसा है जो सबसे ज़्यादा WHO को फंडिंग करता है, सबसे ज़्यादा धन देता है, 40 करोड़ डॉलर देता है, जबकि चीन एक साल में 4 करोड़ देता है, और जबकि जो अमेरिका है वो 40 करोड़ देता है। देखिए और WHO के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने आप ये बताया WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेडर्स अधानम, इसके डायरेक्टर जनरल है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। चलते नेक्स्ट करंट अफेयर पे, तो हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल की बिक्री को दी मंजूरी। देखिए भारत को, जैसे कि मैंने इससे पहले भी जो वीडियो डाला था कल, उसमें बताया था कि जो भारत है अमेरिका से टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल खरीदना चाहता है, तो उसको जो अमेरिका ने मंजूरी दे दी कि अब आप खरीद सकते हैं। देखिए पेंटागन ने अपने बयान में बताया थी कि मैं आपको बताऊँ, पेंटागन तो जो पेंटागन है वो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है पेंटागन। अब इसका पेंटागन नाम क्यों पड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अमेरिका ने टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइल खरीदने को भारत को मंजूरी दे दी, अब भारत दोनों मिसाइल खरीद सकता है। तो यहाँ पर पेंटागन ने अपने बयान में कहा है कि भारत सरकार ने अनुरोध के कारण अमेरिका ने, अब जो पेंटागन है वो अमेरिका की रक्षा मंत्रालय की
हेडक्वार्टर है पेंटागन। इसका पेंटागन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आप देख रहे हैं इस पेंटागन की इमेज ऐसी है, आई मीन पेंटागन है पंचभुज आकार की, तो इसलिए इसका नाम पेंटागन पड़ गया, इसका नाम है पेंटागन। और जो हार्पूनस और टॉरपीडो मिसाइल है, यह हार्पूनस मिसाइल और ये टॉरपीडो मिसाइल, अब इसको भारत अमेरिका से खरीद सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, DRDO ने COVID-19 नमूना संग्रहण के लिए कियोस्क विकसित किया। देखिए जो DRDO इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया DRDO, और DRDO का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और जो DRDO के CEO हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इसके CEO हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और देखिए इसने क्या किया है, तो DRDO ने एक COVID-19 का नमूना, COVID-19 का जो टेस्ट लेने के लिए नमूना लिया जाता है, सैंपल लिए थे, उसके लिए कियोस्क विकसित किया है। कियोस्क इस प्रकार का, इसमें क्या है ना कि यदि मान लीजिए अभी जो DRDO का जो कोई अभी कोई अगर COVID-19 का पेशेंट है उसका नमूना लिया जाएगा तो उसको ह्यूमन द्वारा किसी डॉक्टर द्वारा उसको हाथ लगाया जाएगा, टच किया जाएगा, उससे क्या ना उसको भी संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। तो DRDO ने एक इस प्रकार का सिस्टम तैयार किया कि इसमें आप अंदर चले जाइए, खड़े हो जाइए, ये ऑटोमेटिक नमूना ले लेगा, और इसकी जो कीमत है वो 1,00,000 रुपये है इसकी कीमत, जो कि DRDO ने बनाया है। और DRDO की जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो हैं CEO हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो ये थी कुछ आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आई होप आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।